अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजिया। आज हम आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं साबूदाना के क्रिस्पी वड़े। नॉन मुस्लिम जो होते हैं इसको व्रत में भी खाते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम फूला फूला और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को और भी कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आइए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम साबूदाना ले लिए हैं। साबूदाने को हम 4 घंटे के लिए भिगा दिए थे। ये अच्छे से भीग चुका है और ये देखिए कैसे मैश हो रहा है। बस ऐसे ही साबूदाना हमको चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला ले लेंगे। ये धनिया जीरे का पाउडर है 1.5 चम्मच, इसको हम ले लिए, छोटा चम्मच है हमारा। और ये हरी मिर्च है, इसको हम ले लिए हैं बारीक कट करके 3 से 4। और ये धनिया पत्ती है, इसको हम बारीक कट करके ले लिए हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा साबूदाना वड़े में। और ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये काश्मीरी मिर्च है, इससे कलर आएगा। और ये गोल मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा हम डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये 3 उबले आलू हैं, इसको हम बॉईल करके ग्रेटर में ग्रेट कर लिए हैं, इसको हम ले लेंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको हम ले लिए हैं 2 चम्मच। और 1 चम्मच हम सोया सॉस ले लेंगे। आप लोग इसके जगह नींबू भी ले सकते हैं, नींबू का जूस भी। हम इसको सोया सॉस लिए हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। इसमें सोया सॉस डाले हैं, उसमें भी नमक रहता है। अब ये सारी चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत लाइट मसाला रहता है, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं ऐड होता है। अब ये सारी चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। ये साबूदाना वड़ा बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बनेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। ये बच्चे इसको तो बहुत शौक़ से खाते हैं। हम इसको सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, शाम में बना सकते हैं, छोटी मोटी भूख के लिए इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जायकेदार बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी बहुत सी रेसिपी अपलोड हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई रेसिपी और भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, बस फटाफट हम इसको बना लेंगे। ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। बस इसको हम 4 घंटे के पहले भिगा देते हैं तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं, ये कितना अच्छा सा बन रहा है। बस ऐसा ही हमको चाहिए। अब इसको हम जल्दी से फटाफट वड़ा बना लेते हैं। अब वड़ा को हम बना लेते हैं। बस इतना बड़ा हम पोर्शन लेंगे, इसको हम थोड़ा मोटा ही बनाएंगे। ये देखिए बस ऐसे हम हथेली पे रखेंगे और इसको हाथ से दबा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन गया। बस ऐसे ही हम सारे वड़े को रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी वड़ा बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फटाफट फ्राई कर लेंगे और देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं एक शेप में। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके लिए हम 1 कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब 1 1 फुहाड़े को हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम किए हैं, मीडियम पे हम फ्राई कर रहे हैं। फिर पलटेंगे तो हम इसको थोड़ा हाई कर देंगे। कढ़ाई हमारी छोटी है तो 3 से 4 आया है। अब इसको हम अच्छा सा कलर आने तक फिर हम 3 मिनट के बाद इसको पलटेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, अच्छा सा कलर आ गया है, हल्का सा गोल्डन। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, उलटते पलटते हम इसको फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट इसको लगेगा फ्राई होने में। ये देखिए अब इसको हम पलट दिए हैं। इसको फिर हम 3 से 4 मिनट के लिए इधर भी सेक लेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे इसको। और ये देख रहे हैं आप लोग, इसको न ये टूटा है, ना बिखरा है, ना फटा है, ये अच्छे से बन जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से बन जाता है। ये देखिए वड़े में अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और माशाल्लाह कितने फूले हुए हैं हमारे वड़े, ये बहुत अच्छे फूले हुए हैं, फूले फूले और अंदर से बहुत क्रिस्पी है, आप लोग देख सकते हैं। अब सारे हम निकाल लेंगे वड़े को, फिर दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए आप लोग इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब इसके साथ हम एक चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए हम हरा धनिया ले लिए हैं डंठल के साथ में। डंठल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी में।
चार हरी मिर्च लिए हैं और चार लहसुन की कली है, इसको ले लेंगे। और ये सेव है, बारीक वाली सेव, इससे चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसमें हम दही डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास दही ना रहे तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ को हम पीस लेंगे 2 से 3 चम्मच पानी डालकर। ये देखिए माशाल्लाह हमारे साबूदाना वड़े बनकर रेडी हो गए हैं। कितना अच्छा माशाल्लाह बना है। और इसको हम एक तोड़कर दिखाते हैं। एकदम फूले फूले हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। ये बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुआ है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ हम एक चटनी बनाए हैं, हम इसी चटनी के साथ इंजॉय करेंगे। ये बहुत हेल्दी भी हैं, इसके साबूदाने के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को आप लोग अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।